यूँ तो बिहार भर में दशहरा का पर्व आने के साथ ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बिहार के पटना की बात कर ले और पटना के डाक बंगला चौराहा की बात कर ले तो यहाँ के पूजा के पंडाल की बात ही अलग होती है, मूर्तियों की बात अलग होती है, हर बार कुछ अलग किया जाता है। और इस बार डाक बंगला चौराहे पर जो मूर्ति स्थापित होने जा रही है, जो यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाने के लिए जो कारीगर आते हैं वो पश्चिम बंगाल से आते हैं, तो दूसरी ओर जो यहाँ पे जो डेकोरेशन का इस बार जो सबसे अलग हो रहा है काम वो है फाइबर का काम। इस बार जो दशहरा में होने जा रहा है जो सबसे ज़्यादा जो आपको लुभावना दिखने वाला है वो यहाँ का डेकोरेशन। और यूँ कह ले तो तैयारियाँ देखिए जोरों से है, 15 अक्टूबर को यानी कि कलश स्थापन है, उससे पहले हर चीज़ की जो व्यवस्था है चाक चौबंद कर ली गई है और एक तरह से कह ले तो तैयारियों में लगभग 18 से ज़्यादा कारीगर इसमें काम करना शुरू कर दिए हैं। हम आपको मूर्ति भी दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे बन रहे हैं और क्या खासियत होती है यहाँ की मूर्ति की, चूँकि राज्य भर में एक बात कर ले या फिर देश भर की बात कर ले तो डाक बंगला चौराहे की जो मूर्ति की बात होती है हर किसी के जुबान पर होती है और लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं यहाँ पर, चूँकि यहाँ के मूर्ति में कुछ अलग होता है या फिर डेकोरेशन में हर साल के से कुछ अलग होता है। तो देखिए ये जो मूर्ति है कुछ अलग हम दिखाने की कोशिश करते हैं और ये देखिए कि सज कर जो है तैयारियों पर है और मूर्ति के लगभग कहें तो अपने जो है आकृति में आ चुका है। हम यहाँ के जो सचिव हैं सोनू यादव इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि अब तो जो मूर्ति की जो है प्रारूप तैयार हो चुकी है। मूर्ति जो हम लोग की मोस्टली कम्प्लीट ही हो चुका है और पंडाल में भी हम लोग की काम हाथ लग चुकी है, कुछ दिन में आप लोग को दिखने लगेगा हम लोग का पंडाल। ऐसे तो पंडाल हम लोग का 6 महीना 7 महीना पहले से बनता है क्योंकि कलकत्ता ही में बनता है, यहाँ सिर्फ हम लोग असेंबल करवाते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना जगह नहीं है कि इतना पहले से यहाँ पे वर्क कर सके। इस बार मूर्ति जो बने हैं वहाँ के कहाँ से कारीगर, कलकत्ता से ही है या फिर? मूर्ति बनाने वाले हम लोग के जगन्नाथ पाल हैं जो कि कलकत्ता ही के रहने वाले हैं। डेकोरेशन में क्या इस बार अलग हो रहा है, क्योंकि हर जगह एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि डाक बंगला चौराहे पर जो पंडाल बनता है वो सबसे भिन्न होता है। इस बार हम लोग पंडाल अभी पटना में बिहार में कोई ऐसा नहीं बनाया होगा, इस बार हम लोग फाइबर से पंडाल बनवा रहे हैं। क्या अलग है उसमें? सब मूर्ति का सबका फोटो रहेगा, कलरफुल पंडाल मेरा रहेगा जो कि वो फाइबर से बना हुआ है। तो इस फाइबर में लोग जाने की कोशिश करेंगे कि फाइबर में क्या कुछ अलग होना है। फाइबर में कलरफुल है, लाइटिंग के साथ दिखेगा पंडाल जो कि आपको रात में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा। ये राजस्थान के मंदिर है जिसका हम लोग एक प्रारूप दे रहे हैं। अच्छा, कौन से मंदिर का? वहाँ का शिव मंदिर का। अच्छा, तो उसी के रूप दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ की जो मंदिर है, ये जो मूर्ति है वो उसका जो लगभग तैयारियों पर है और तैयारी कह ले तो जो जहाँ तक विशेष मूर्ति की यहाँ पे व्यवस्था होती है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अलग इस बार जो देखने को मिलेगा वो है यहाँ का पंडाल जो पूरे फाइबर का बना हुआ होगा और जिसमें क्या खासियत थी यहाँ के सचिव सोनू यादव ने आपको बता ही दिया। तो एक बार पटना आते हैं और दशहरा में घूमने आते हैं तो पटना के डाक बंगला चौराहा जरूर आएँ और यहाँ की जो है मूर्तियों की खासियत क्या है वो भी आप जान लेंगे और यहाँ पर जो व्यवस्था की जाती है, क्योंकि हर जगह चर्चा का विषय रहता है कि डाक बंगला चौराहे की जो मूर्तियाँ होती है या फिर डेकोरेशन का व्यवस्था होता है क्या अलग है, तो आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बन रहे कशिश के साथ पटना संगीता से।